हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका साथ है हमारे यूट्यूब चैनल डिटेच वर्ल्ड में, जहां आपको बताया जाता है डिटेच में होने वाले सभी तरह का प्रॉब्लम और उनका से बेहतर सोल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके टीवी स्क्रीन पे कलर सेलेक्शन नहीं आ रहा है तो उसे फिर से कैसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, कलर सेलेक्शन फिर से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने के लिए सबसे पहले आपको अपने रिमोट से सारे के सारे चैनल डिलीट करना होगा। और सारे चैनल डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको लिखा आएगा नो टीवी प्रोग्राम। नो टीवी प्रोग्राम आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप अपने रिमोट से मेन्यू बटन को प्रेस कीजिएगा। रिमोट से मेन्यू बटन को प्रेस कर जैसे ही आप कीजिएगा दोस्तों, उसके बाद आपको जाना होगा प्रोग्राम सेटअप में। दोस्तों, प्रोग्राम सेटअप में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड न्यू प्रोग्राम में जाना होगा। ऐड न्यू प्रोग्राम में जाने के बाद दोस्तों आपको एलिनियर फ्रिक्वेंसी, ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी और सिंबल रेट सेट करना है। तो एलिनियर फ्रिक्वेंसी दोस्तों सभी का सेम होता है 5150 5150, और ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी दोस्तों आपका कलर सेट का 3430 है। दोस्तों, इसके अलावा और किसी चैनल का आप सेट करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद सिम्बल रेट आपका है दोस्तों 29500, सभी चैनल का सिम्बल रेट सेम होता है दोस्तों। इस सभी के बाद दोस्तों आपको प्रायोरिटी यहाँ पे भी रखनी है। जैसे ही आप प्रायोरिटी दोस्तों भी कीजिएगा, आपका यहाँ पे सिग्नल बताना शुरू कर देगा दोस्तों। तो अगर आपका छतरी प्रॉपर कंडीशन में सही रहेगा तो यहाँ पे सिग्नल बता देगा दोस्तों, और सिग्नल अगर नहीं आया समझिए आपका छतरी सही कंडीशन में नहीं है, बॉक्स सही कंडीशन में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे सिग्नल बताता है आप समझ जाइए कि आपका प्रायोरिटी वगैरह सब चीज़ सेट हो चुका है। अब आपको अपने रिमोट से ओके बटन प्रेस कर देना है। अब जैसे ही ओके बटन प्रेस कीजिएगा आपका स्कैनिंग होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मैं अब ओके बटन प्रेस करता हूँ और ये मेरा देखिए स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। अब मेरे यहाँ पे 18 चैनल आए हैं और मैं इन 18 चैनलों में दोस्तों कलर सेलेक्शन कितने नंबर पर है मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। मेरा कलर सेलेक्शन कितने नंबर पे आया है ये देखिए, मेरा कलर सेलेक्शन यहाँ पे 5 नंबर चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने चैनल पे पैरामीटर सेटअप करके या ऑटो स्कैन करके या ऐड न्यू प्रोग्राम करके कलर सेलेक्शन का मजा फिर से ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में का आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएँ। तो अब के वीडियो बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आपको सही समय पर मिल सके दोस्तों।